एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ दीपा। दोस्तों, जब से आप बेबी कंसीव कर लेती हैं तभी से आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, जो बेबी के हेल्थ और डेवलपमेंट से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी आपको देते हैं। जिन बदलावों में आप गौर करें तो आप बेबी के बारे में जान पाते हैं। इन्हीं सारे चेंजेस में आता है गर्भावस्था के 9वें मंथ में बेबी का हेड डाउन पोजिशन में आना, यानी कि बेबी का सेफलिक पोजिशन में आना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके बेबी ने अपना सर नीचे की ओर कर लिया है या उसने हेड डाउन कर लिया है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से बदलाव आते हैं, और बेबी के हेड डाउन कर लेने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, जिससे आप पता कर पाएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है या नहीं, उसने अपनी पोजिशन ले ली है या नहीं। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर आप भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो इसके लिए आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है या नहीं। तो वीडियो किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है पेट, जो पहले आपको उभरा हुआ समझ में आता था, अब वो नीचे की ओर उभरा हुआ आपको फील होता है। पेट का ऊपर का हिस्सा खाली खाली सा महसूस होगा और नीचे का हिस्सा कठोर और भरा हुआ महसूस होगा। दोस्तों, जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसका सर नीचे की ओर फिक्स हो चुका होता है। इस समय आपको उठने बैठने और चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पेट के आसपास चेंजेस को देखकर समझ सकते हैं कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। अगला है प्राइवेट पार्ट में हल्का सा दर्द। दोस्तों, इस समय आपको अपने प्राइवेट पार्ट में भारीपन सा महसूस होगा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ नीचे की ओर दबाव डाल रही है, अधिक दबाव सा महसूस होगा, भारीपन सा लगेगा। उठने बैठने चलने में आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ नीचे की ओर गिर रही है। इस समय आपको अपने जांघों और पेल्विक मसल्स में थोड़ा दर्द भी महसूस होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और वो नीचे की ओर आने को तैयार है। अगला है बेबी का मूवमेंट। दोस्तों, इस समय बेबी का मूवमेंट कम हो जाता है। जब बेबी का सर नीचे पेल्विक एरिया में फिक्स हो जाता है तब वो ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता, वो किक नहीं मार पाता, लेकिन जब भी मारता है तो बहुत तेज से आपको महसूस होता है। इस समय आपको बेबी की मूवमेंट नीचे की ओर कम और ऊपर की ओर ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि वो अपना सर नहीं हिला पाता लेकिन अपने हाथ और पैरों को हिलाता है। तो आपको पेट में राइट साइड या लेफ्ट साइड ऊपर की ओर बेबी की हलचल महसूस होती है, तो ऐसे में भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब बेबी हेड डाउन कर लेता है, इस समय आपको यूरिन पास करने बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में आपको यूरिन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इस समय आपको और भी ज़्यादा यूरिन पास करने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो ब्लडर में उसका प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपको हर 5 या 10 मिनट में यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इस समय आप कम पानी पिए या ज़्यादा पानी पिए, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, आपको यूरिन पास करने जाना ही पड़ता है। अगला है वाटर डिस्चार्ज। दोस्तों, ये वाटर डिस्चार्ज आपको क्रीमी या वाटर वेस हो सकता है। ये आपको प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है, जब आपकी वाटर की थैली फट जाती है। इस समय आप समझ सकती हैं कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और अब डिलीवरी बहुत नज़दीक है। ये वाटर ब्रिक्स आपको पानी की तरह दिखाई देता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है और ये बिल्कुल लगता है कि टॉयलेट जैसा। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको अपनी डिलीवरी की सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल deepasoni.com को सब्सक्राइब करें।